नमस्कार, मैं हुनिया बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। शामली के झिंझाना क्षेत्र के गांव मंसूरा के गांव में मेन रास्ते पर जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूरा मामला शामली के गांव मंसूरा का है, जहां बिना बरसात के ही कीचड़ व जल भराव के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से गांव में जहरीले मच्छर पनप रहे हैं, जिसके कारण गांव में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के तालाब पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है, जिसके कारण गांव का गंदा पानी रास्तों पर भरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और प्रशासनिक अधिकारी को कई बार इस संबंध में अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं ग्रामीण उमर अलवी ने बताया कि यह रास्ता केराना खुरगान से मंसूरा को होते हुए कालरी, चोतरा, सरपुर आदि गांव को जोड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि करीब पिछले 5 सालों से यह समस्या बनी हुई है। समस्या नीचे में सड़क जा रही जी, पानी की कोई नखस्सी नहीं है यहाँ। कोई तालाब वगैरह नहीं है यहाँ पानी का? नहीं, कोई तालाब नहीं है। कब से आ रही है समस्या? ये तो 6 साल हो गए। तो अब से पहले किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसके बारे में अवगत करवाया है? बहुत को, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं आई। कोई सुनवाई नहीं। किसको कराया था? नहीं, जैसे मैं तो ये ज्यादा प्रधान को कैसे और कैसे गए। प्रधान के अंदर में आती है पीडब्ल्यूडी? नहीं, पीडब्ल्यूडी में है। तो पीडब्ल्यूडी के किसी प्रशासनिक अधिकारी का खिंचवाई दे, एक दिन फोटो पीडब्ल्यूडी हो गए। अच्छा, क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं। कुछ आश्वासन नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। पानी की प्रॉब्लम हमारी गड्ढे रह गए, लिगड़ा बढ़ने दिक्कत हो रही। कब से प्रॉब्लम आ रही है? बोलिए 1 साल के करीब बोलिए। तो 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। अब साल हो गए। अब से पहले किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसके बारे में कुछ भी नहीं करा किसी ने? अच्छा, किसके अंडर में आती है? पीडब्ल्यूडी के। अच्छा, 5-6 साल से प्रॉब्लम। अब क्या चाहते हैं आप लोग? सड़क बढ़ने वाला तो बस यार। अच्छा, पीडब्ल्यूडी वालों ने क्या आश्वासन दिया? कुछ भी नहीं दिया ना। तो अच्छा, कुछ नहीं कहा। कब लगाई थी एप्लीकेशन? कब डाला था उनके अंदर में? 3 महीने पहले भी, और उस तक पहले भी डाला होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सगोर अली है जी। मैं गांव मंसूरा से, जिला शामली, जो हमारे गांव से बाहर की सड़क है, गांव बलेड़ा में गई है जी। और ये करीब करीब हो गए इसको 4-5 साल हो गए। ये इसकी दुर्दशा आपने भी देख ली होगी, और यही चल रहा है काम। अच्छा, पीछे इस पर खैन चली थी 2 नंबर पे। आरटीओ को बुलाया था हमने यहाँ पे, और मतलब काफ़ी आए थे जो सरकारी अधिकारी हैं, वो बोले थे बनवा देंगे। 2 नंबर पे खैन चली, अभी भी खैन चल रही थी। प्रेजेंट टाइम पे खैन चली है चौतरे की, माल जा रहा है यहाँ से मसूरा से होके। अच्छा जी, 2 नंबर से, और जो गाड़ी रोके हैं झिंझाना थाने की जो पुलिस है, वो आके खुद उल्टा जो रोकता है उसी को मतलब टॉर्चर करती है। उसको ये बोलती है भाई साइड हो जा, नहीं अंदर डाल देगी जी। कब से आ रही है पानी की प्रॉब्लम? पानी की प्रॉब्लम करीब हो गया जी 4-5 साल इसको तो ऐसी चल रही है। किसके अंडर में आती है सड़क? पीडब्ल्यूडी के अंडर में जी। कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराया आपने? 2-3 महीने पहले करवाया था जी। क्या आश्वासन मिला? बोल रहे थे करवा देंगे जी। तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। किन किन गांव को जोड़ता है रास्ता? ये बलेड़ा, पठेड़, और जी असरपुर, सनेटी, झिंझाना, मतलब ये चौतरा, फतेहपुर, ये सारे इस मतलब इस पे हो के जावे। गांव का बाईपास है जी बाहर का, तो गंदे पानी की वजह से बीमारी की भी समस्या है जी। दूसरी बात, कोई मेहमान आवे तो घर से बढ़िया तरीका नहा धो के यहाँ जी आधे ना हम उठावे, जो मौके पे मिल जावे उठावे, नहीं गिरगार का भंड भूंड जाए, फिर गाली देवा भाई कैसा रास्ता हो रहा। शर्माते वापसी अपना, आधे तो बेचारे आवे वापसी चले जाए भंड भूंड के, आधे जो है होशियार सा लड़का जाए वो लिकट भी जाए लेके। अब क्या चाहते हैं आप इसमें? हमारी तो यही दरख्वास्त है जी, ये रास्ता बन जाए। अरे इस पानी की निकासी, और ये पानी की निकासी जी इधर जा रही है इसमें खैन में, इधर एक वो है जोड़ है, तालाब है, उधर भी जान दे रहे लोग बाग इसको, उधर हो जाए एक ये यहाँ पे जोड़ था, ये भी बंद कर दिया। कैसा तालाब है वो, किसी का है या ग्राम पंचायत जी? गाँव का ही था वो, सरकार है जी, राज्य सरकार का तालाब था, जो इधर आशा ठीक है जी, उसने उस पर कब्जा कर रखा है। जो रोके हैं तो बोलते हैं हम थाने में दरखास्त देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सारी बहती करके अपनी जमीन उगाओ के लिए लिख ली वो। तालाब को कब्जा मुक्त कराने के लिए किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई वार्तालाप हुई आप लोग? जी नहीं, ये तो हमने नहीं किया, क्योंकि अड़ोस पड़ोस की बात है, ये नहीं कहा। अच्छा, जो उससे हम आपस में लड़ाई नहीं चाहती। दूसरी बात, हम चाहे भी गांव में मिलजुल के रहें। अब आपको पता है कि काम कैसा चल रहा है, अगर मड़ी सी कोई बात हो जाए हिंदू मुस्लिम का एकदम फसाद होगा, वो हम चाहते नहीं गांव में। इस करके एक दूसरे की हम वो नहीं करते कार्रवाई एक दूसरे के ऊपर। अगर आप भी आपके
बात पर गौर नहीं होती तो अगला कदम।